नागौर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वो रोज पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस बस तहकीकात का जुमला उछाल कर रह जा रही है। ताजा मामला गच्छीपुरा थाने के बड़ू कस्बे का है, जहां अज्ञात चोर एसबीबीजे बैंक के एटीएम को ही उखाड़ ले गए। पूरे प्रदेश में इन दिनों एटीएम शातिरों के निशाने पर है और शहरों के साथ साथ गांवों में भी एटीएम को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला नागौर जिले के बड़ू का है, जहां शातिर बदमाश एसबीबीजे की एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए, जिसे एटीएम के साथ साथ उसमें रखे लाखों रुपए भी उनके हाथ लग गए। सुबह लोगों ने टूटा हुआ एटीएम देखकर मैनेजर को सूचना दी। वहीं मैनेजर की सूचना पर गच्छीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में ये सामने आया कि दो कैमरे टेप लगाकर बंद कर दिए गए और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। गच्छीपुरा में गत रात को लगभग 12-1-2 बजे के आसपास बीच में पहले कोई आदमी आके देख के जाता है, फिर उसके बाद आके एक स्टिकर लगाता है कैमरा के ऊपर एटीएम का, फिर उसके बाद पता नहीं मौके का अलामत के अनुसार उसको एंटायर चीज को एटीएम को साथ में लेके चले गए। लगभग इसका वजन होगा लगभग 100 किलो से ज्यादा वजन होता है इसमें। उसमें कितना रुपए रखा था इसके बारे में अभी तक बैंक से डिटेल्स नहीं मिला है एंड गांव के लोगों को किसी को कुछ सुराग नहीं मिला है। अभी हमने एफएसएल को भेजा है एंड फिंगरप्रिंट वालों को भी भेजा है, सुराग मिलने का उम्मीद है। एटीएम कक्ष में लगा तीसरा कैमरा खुला पाया गया और उम्मीद की जा रही है कि उसमें एटीएम उखाड़ कर ले जाने वालों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। इसके अब तीसरे कैमरे के फुटेज देखने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों को तलाशने का प्रयास करेगी। पुलिस के मुताबिक रात लगभग 1:30 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी सुबह आमजन के जरिए एसबीबीजे बैंक प्रशासन को मिली और फिर गच्छीपुरा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि वारदात को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया। मौके से पुलिस को लोहे की दो रॉड मिली है, जिनके जरिए एटीएम को उखाड़ा गया था। जांच के लिए नागौर से एफसीएल और एमओबी की टीमों को बुलाया गया है। हालांकि पुलिस को बैंक से एटीएम में रखे रुपयों का निश्चित फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन अनुमान है कि एटीएम में तकरीबन 31 लाख रुपए थे, जिन्हें लुटेरे ले जाने में कामयाब हुए। तीन लगे हुए थे जिसमें से दो कॉन्टैक्ट है, एक को पुलिस को आया हुआ है, लेकिन इसके लिए भी हमको बैंक की जरूरत होगी। लेफ्ट टेक्निशियन हमारे हैं, जैसे ही हमारे टेक्निशियन आ जाएंगे या बैंक आ जाएंगे। पुलिस बीते कुछ अरसे में प्रदेश में हुई एटीएम चोरी और तोड़ने की सभी वारदातों की जानकारी ले रही है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी एटीएम की तलाश की जा रही है, क्योंकि एटीएम को तोड़ना और खोलना आसान नहीं होता और ज्यादातर मामलों में शातिर जब एटीएम खोल नहीं पाए तो आसपास के क्षेत्रों में ही फेंक गए। लगातार पिछले 6-7 महीने में जयपुर, अजमेर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, शहर जयपुर सब मिला के लगभग 16 से 17 एटीएम वारदात हुआ है। उसको मोडस ऑपरेंडी के बारे में डिटेल्स एकत्रित किया है हम लोगों ने। संदिग्ध लोगों के बारे में पता सी करके उनका है, वो लोग है कहाँ के, क्या अभी तहकीकात हमने शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैंक प्रबंधन को कई दफा गार्ड लगाने की बात कही थी, लेकिन बैंक प्रबंधकों की लापरवाही के चलते गार्ड तैनात नहीं किया गया, जिससे शातिरों को मौका मिल गया और वे एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए।